हिमांशु आर्ट इंस्टीट्यूट, यहाँ जिंदगी जीने की कला सिखाई जाती है, कला को जिंदगी बनाकर। ये रंग कैनवास पर ही नहीं बल्कि भरे जा रहे हैं उस ख्वाब में भी, जिसे ये छात्र एक बेहतरीन कलाकार बनने के लिए देख रहा है। दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर में मौजूद हिमांशु आर्ट इंस्टीट्यूट की शुरुआत 1997 में इसके फाउंडर मोहित मनोचा ने की। उस टाइम पे एज अ हॉबी मेरे पास करीब 500 से 800 बच्चे गए होंगे 10 साल के अंदर, और आज गिनती 4 से 5 हजार के बीच है जो अभी तक पास आउट हो चुके हैं, जिसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे फाइन आर्ट्स के ही हैं, उसमें प्रोफेशन के साथ साथ हॉबी वाले भी हैं। पहले हम कुछ लिमिटेड 10 से 15 कोर्सेज चलाते थे शौकीन वाले, जिसमें कि लिमिटेड वो कोर्सेज ज्यादा होते थे जिसमें गर्ल्स के लिए ज्यादा रहते, जैसे ग्लास पेंटिंग या लिमिटेड जो शौकीन वाले छोटे छोटे कोर्सेज चलते थे। लेकिन आज हमारे पास करीब कोर्स तो नहीं कहूंगा मैं, एक्टिविटीज कहूंगा, जो करीब 150 से ऊपर है। जी हाँ, कुछ ऐसे ही चंद छात्रों से शुरू हुए हिमांशु आर्ट इंस्टीट्यूट में 20 साल बाद छात्रों की संख्या हजारों की तादाद में है, तो एक्टिविटीज 150 से ज्यादा और 50 से ज्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज में खास है 1 साल का फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा, 2 साल का अप्लाइड आर्ट्स में डिप्लोमा, 1-1 साल का डिप्लोमा एनिमेशन, स्केचिंग, लाइफ ड्राइंग, स्कल्पचर, आर्ट एंड क्राफ्ट, तो वहीं 3 से 6 महीने तक के सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं। इनमें खास हैं ऑयल एंड एक्रिलिक पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, वाटर कलर, ज्वेलरी मेकिंग, पेंसिल शेडिंग। इसके अलावा क्विलिंग आर्ट, सॉफ्ट टॉय मेकिंग, कैंडल मेकिंग, पेपर क्राफ्ट, पेपर माशे, रिलीफ वर्क में हॉबी कोर्सेज किया जा सकता है। साथ ही हिमांशु आर्ट इंस्टीट्यूट में तंजोर पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग, गोंड आर्ट जैसे इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट्स के कोर्सेज भी हैं। हिमांशु आर्ट इंस्टीट्यूट काउंसलिंग के जरिए छात्रों को सही कोर्स चुनने में भी मदद करता है। स्टूडेंट्स जब कोई हमसे इंक्वायरी करने आता है तो उसको कुछ भी नहीं पता होता, वो सिर्फ उसका एक रिफ्रेशमेंट ये होता है कि हमें पेंटिंग की लाइन में आगे जाना है, पर उनको सही तरीके से गाइड करना कि आपको पेंटिंग में ही जाना है या स्केचिंग में जाना है, आप इसको एज ए प्रोफेशनल लो या सिर्फ आपका ये हॉबी है तो आपको हॉबी कोर्स में जाना चाहिए, ये मेरा काम है सबको गाइड करना। हिमांशु आर्ट इंस्टीट्यूट की बहुत बड़ी खूबी है इसका अपना एनजीओ नवश्री आर्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये एनजीओ हिमांशु आर्ट इंस्टीट्यूट में आए छात्रों के अलावा दूसरे आर्टिस्ट को भी आर्ट मार्केट में पहचान बनाने का मौका देता है। तो मेन उसका उद्देश्य ही यही है कि जहाँ से जो बच्चा जा रहा है वो सिर्फ एक स्टूडेंट्स के तौर पे ना निकले, क्योंकि पहले वो 2 साल का कोर्स करे फिर इधर उधर धक्के खाए कि उसको क्या चीज मिलनी है, बजाय इसके उसको नवश्री आर्ट एंड कल्चर के थ्रू आते ही उसके काम के थ्रू उसको एक आर्टिस्ट का प्लेटफॉर्म दे दिया जाता है, एग्जीबिशंस के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू, तो यहाँ से गए आर्टिस्ट कभी भी बेकार नहीं घूमते हैं। जो नवश्री आर्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ऐसी एनजीओ है जो डिफरेंट आर्टिस्ट जगह जगह से, हर जगह के स्टेट से, ऑल ओवर इंडिया स्टेट वाइज आर्टिस्ट को कॉल करती है, एंड उसके थ्रू सारे आर्टिस्ट को अपने अपने टैलेंट को निखारने का, अपने टैलेंट को दिखाने का एक मौका देती है। नवश्री आर्ट एंड कल्चर टैलेंट की परख करके प्रतिभावान छात्रों को इंस्टीट्यूट में कला सीखने का मौका देता है। जो अपनी पेंटिंग प्रोफेशनल ऐसे ही करता था तो सर मेरे को नवश्री आर्ट एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे को हिमांशु आर्ट इंस्टीट्यूट से मिलाया, तो सर मेरे को यहाँ पे आके पता चला है कि स्केचिंग में कितने स्कोप्स है, तो मैं अपने स्कोप्स को अपने प्रोफेशनली में बदल सकता हूँ। कुछ नहीं से बहुत कुछ बना देना, हिमांशु आर्ट इंस्टीट्यूट में पेपर क्राफ्ट के जरिए वेस्ट हो चुके कागज को कलाकृतियों में ढलते हुए देखकर महसूस किया जा सकता है। इन कलाकृतियों में ब्यूटी भी है और यूटिलिटी भी। जो चीज रद्दी हो जाते हैं जैसे न्यूज़पेपर्स होते हैं उनको पढ़ने के बाद वो यूजेबल में नहीं होते हैं, मतलब हम फेंक देते हैं ऐसे, तो उनसे जैसे अब ये आइटम है कोई भी, हमने पेपर से इसको, पेपर को यूटिलाइज किया, उससे ये चीज बनाई। जो क्राफ्ट होती है वो साथ में यूजेबल के साथ साथ डेकोरेटिव, जैसे उससे कोई चीज बनी, जैसे ये सब है, इनको हम सजा सकते हैं घर में। फोकस किया है वो आर्ट एंड क्राफ्ट के ऊपर किया, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें हाउसवाइफ गर्ल्स घर बैठ के भी बहुत कुछ कर सकती हैं, और इसमें जब हमने स्टार्ट किया और अभी तक दिल्ली में हम ही चला रहे हैं इसको, आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स अभी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, और इसके अंदर जो भी लड़कियां यहाँ से सीख के गई हैं वो मार्केट में अपना कुछ ना कुछ अपनी पहचान बना के कार्य कर रही हैं, किसी पे डिपेंड नहीं है। कोई कला के शौक को प्रोफेशन में बदलना चाहता हो तो उसके लिए बेहतरीन जगह है हिमांशु आर्ट इंस्टीट्यूट। यहाँ कलाकार की उड़ान को महज सतरंगी ख्वाब नहीं, कामयाबी का आसमान मिलता है।
ਕਿੱਡਾ ਕਿੱਡਾ।